आज हम बहुत डिलीशियस सी प्लम चटनी बनाएंगे, लजीज़ा वालों की चटनी बनाएंगे। लजीज़ा वालों की चटनी जो मैं बनाती हूँ तो उसमें फिर भी मैं चीज़ें ऐड करती हूँ। खूबसूरत सी मॉर्निंग आपको दिखाई है, और सीरियस होकर तो मुझसे कुकिंग नहीं दिखाई जाती। फ्लावर्स हो, पोइट्री हो, ठंडी ठंडी हवा हो, और साथ हमारी मानो कैट हो, और सुबह का खूबसूरत सा नज़ारा है। रात को इतनी गर्मी थी, बिलीव करें कि जब सुबह हुए तो फिर मौसम बहुत ज़बरदस्त था, हल्की हल्की बारिश हुई थी। फूल देखें किस तरह से खिलखिला रहे हैं, फूलों का खिलखिलाना और ठंडी ठंडी हवाओं का चलना कितना अच्छा लगता है ना। गर्मी में मोस्टली यूके में भी हम सब जो मुसलमान एशियन हैं, हम चप्पल पहन के स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, तो आपको मोस्टली चप्पल सी नज़र आएंगी। तो यू नो चप्पल पहनना भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा पाँव को भी ठंडी ठंडी हवा जो है ना लगनी चाहिए, क्योंकि पाँव जो होते हैं ना ये हमारे जिस्म की बेस होते हैं। पाँव सेहतमंद होंगे तो आप अच्छे से वॉक करेंगे ना। तो येलो फ्लावर भी मुझे बेइंतहा पसंद है, इसीलिए अक्सर आपको रेड और येलो फ्लावर्स जो मेरे व्लॉग्स में नज़र आएंगे। और सुबह का नाश्ता भी शेयर करूँगी, मैंने बड़े बेटे के लिए जल्दी से इस तरह से नाश्ता रेडी किया था, और इसमें थोड़े से मोटे मोटे से ऐसे रेड कलर का देखें, इस तरह से रेड चिली थोड़ी रहेगी ना, जब जल्दी में होते हैं ऐसे तो हो जाता है ना, आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो जाता होगा ना। हवा बड़ी ठंडी ठंडी चल रही है, मौसम बहुत खूबसूरत है। आज का व्लॉग भी आपने फुल एंजॉय करना, बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है आज का भी। बड़ी ईद आ रही है तो बड़ी ईद के जायके भी तो बड़े बड़े होंगे ना, और बड़े बड़े जायकों के लिए फिर बड़ी मज़े की चीज़ें भी बनानी पड़ती हैं, तो आप भी बना के रखें। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, शीना के चैनल पे वेलकम है जी। यू नो आपको पता है ईद साल बाद आती है, तो ईद की जो नमाज़ होती है उसको थोड़ा सा एक बार फिर रिवाइज़ कर लेना चाहिए, तो मेरी बहनें आप भी रिवाइज़ कर लें। और आज की बहुत खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन है कि क्या जो प्लम्स होते हैं वो टूमे के फैट को बर्न करते हैं, और नमाज की जो तकबीर है वो भी आपके साथ थोड़ी सी शेयर की हैं कि एक बार फिर हम इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। और इसके बाद फिर हम अपनी रेसिपी भी शुरू करते हैं, फुल वॉच करना है, फुल इंजॉय करना है। हमने बादाम बता बहुत ज़्यादा क्यों डाले हैं, इसलिए डाले हैं क्योंकि बकरा ईद पे जब आप यू नो गोश्त खाते हैं ना, तो उसके साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई हो जाता है और आपका बीपी भी हाई हो जाता है, तो उसको उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप इस तरह से प्लम चटनी और जिसको आलू बुखारा की चटनी कहते हैं बनाएंगे, और उसमें आप ज़्यादा मकदार में इस तरह से बादाम डालेंगे, और इसमें आपने सिनामिन का पाउडर डालेंगे जिसको दालचीनी कहते हैं, उसका पाउडर भी डालेंगे, और 3 से 4 चुटकी जो अजवाइन है ना उसको अच्छी तरह से मसल्स के हाथों के साथ, तो वो भी इसके अंदर आप उसको इंक्लूड करेंगे। प्यारे प्यारे बकरों की कुर्बानी का टाइम आ रहा है, ये मौसम का जादू है। कुछ लोग धड़कनों में धड़कते हैं उम्र भर, भाई ये अपने खून के रिश्ते भी हो सकते हैं, अपने हस्बैंड भी हो सकते हैं। नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, या गले में आज चांद निकला बच्चों के बाबा जाने के लिए, उनके नाम है ये मैंने किए हैं ज़बरदस्त से वर्ड्स। और यू नो जब भी मैं ऐसे छोटा सा कोई क्लिप बनाती हूँ तो शेरू की आवाज़ आपको पीछे से ज़रूर आती है, मोम बस करे, मोम बस करे ना। तो अगर आपके हस्बैंड भी अब्रॉड में हो तो मस्ट ऐसी चीज़ें जो हैं शेयर करनी चाहिए। तो मैं जी आज हम आलू बुखारा की चटनी जिसको प्लम चटनी कहते हैं बनाएंगे। एक सॉस पैन लेंगे ऐसे, और उसमें हम 2 बड़े जो होते हैं ना मग, जो टी मग होते हैं फुल, 2 बड़े भर के वो इंक्लूड करेंगे जैसे ही बॉयल आ जाएगा। तो एक मग हमने इस तरह से फुल भर के हमने लिखा है प्लम का, और प्लम जो है ना उनको पहले आपने इस तरह से बास्केट में डाल के ना उनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना ताकि कोई किरक वगैरह नहीं हो। फिर उसके बाद उसको जैसे ही पानी बॉयल हो जाए तो उसमें डाल देना, और 2 से 3 इलायची आपने इंक्लूड कर देनी है। जैसे ही 8 से 10 बॉयल आएंगे ना, तो फिर आपने सारे जो आपको मसाला जात दिखाए ना, सारे स्पाइसेस जो आपको दिखाए हैं सारे स्पाइसेस आपने इंक्लूड कर देने हैं। सिर्फ चाट मसाला आपने 1/2 टीस्पून डालना है, बाकी सारे जितनी चीज़ें आपको दिखाई ना स्क्रीन पे सारी आपने 1/4 डालनी है, यानी 1 चम्मच का 1/4 हिस्सा ना, जैसे रेड फ्लेक्स हो गए, रेड चिली होगी, सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें डालनी है। और डाल के तो थोड़ा आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, मिक्स करके तो साथ ही फिर आपने डाल देना है 4 जो पिंच है ना वो आपने डाल देना है, सिनामिन का पाउडर डाल देना है, और 2 से 3 चुटकी आपने ज़ीरा डाल देना है, हाथों के साथ मसल के अच्छी तरह से वो डाल देना, क्योंकि ये हाजमेदार बड़ी मज़े की चटनी होती है ना, तो ईद पे आपको बहुत यू नो ज़रूरी बनानी चाहिए। जैसे आप पुलाव भी बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसके साथ ये चटनी रखें, और बोटियों के साथ भी आप ये रख सकते हैं ना, तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये प्लम की जो चटनी होती है ना, प्लम थोड़ा सा यू नो खट्टा खट्टा सा ज़रा होता है ना, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, तो इसीलिए हमने इसमें जो शुगर है ना पूरा 1 कप जो डालना है, ठीक है।
एक कप से अगर थोड़ा सा लेस करें ना, लाइक जैसे क्वार्टर टू वन जिसको कहते हैं, तो भी वो आप इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। दो चुटकी ऐसे जीरा जाएगा और 4 पिंच जो इस तरह से ना सिनामिन का पाउडर जाएगा। सिनामिन का जो पाउडर होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है खाना हजम करने के लिए भी, और इसकी खुशबू भी बहुत जबरदस्त होती है। एक बड़ा मग हमने इस तरह से प्लम्स का लिया है ना, तो एक मग ही आपने शुगर का लेना है। इसी तरह आपने क्वांटिटी का ख्याल करना है। जैसे आप दो लेंगे बड़े मग, यू नो जिस तरह प्लम के थे, दो ही आप फिर शुगर के लेंगे, या आप क्वार्टर टू भी कर सकते हैं, जैसे आप क्वार्टर वन भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप शुगर को कितना लाइक करते हैं, कि या आपको थोड़ा मीठा पसंद है तो फिर उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और मैं आपको प्लम्स जो है ना ऊपर की तरफ करके बार बार इसलिए दिखा रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यू नो थिक भी नहीं होना चाहिए। मीडियम से इसकी जो होती है ना कंसिस्टेंसी का इसका ख्याल करना है कि कैसी होनी चाहिए। खट्टी मीठी बहुत डिलीशियस सी बकरा ईद के लिए इस तरह से प्लम चटनी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। और बादाम भी बहुत ज़्यादा हम डालेंगे इसमें, मेवा हम नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि बकरा ईद के लिए जो बादाम हमने इसलिए डाले हैं कि जो बादाम होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को और बीपी हाई को आपके कंट्रोल करते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको LDL कहते हैं, और जो अच्छा होता है उसको HDL कहते हैं। HDL को बैलेंस पर रखने के लिए 4 से 5 बादाम आपको डेली खा लेने चाहिए। बादाम रात को भिगो दिया करें और मॉर्निंग में खाया करें, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है और बीपी हाई भी आपका कंट्रोल में रहेगा। और इसलिए चटनियों में मैं ज़्यादा इस तरह से अब बादाम जो है ना डालने पसंद करती हूँ। तो किसी भी चीज़ की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए ना थोड़ा सा जैसे चाट मसाला हो गया, या थोड़ा सा सिनामिन का पाउडर हो गया, या थोड़ा सा यू नो जैसे वो ग्रीन होती है पार्सले, वो थोड़ा सा डाल दिया करें। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आप बनाएंगे ना तो उसकी ब्यूटी को इन्हेंस कर लिया करें, क्योंकि अगर कोई चीज़ आंखों को भली लगेगी तो दिल तक भी बहुत जल्दी पहुँचेगी। तो बड़ी अच्छी बड़ी ज़बरदस्त सी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए है कि आपको किस तरह से यू नो प्लम्स खाने हैं, सुबह खाने हैं, रात खाने हैं, या कितने खाने हैं, कोई भी चीज़ खाएं म्याना रवि के साथ खाएं। इन्फॉर्मेशन आपके लिए छोड़ी, आप इसको खुद रीड करें। आज की रेसिपी, आज की इन्फॉर्मेशन भी पसंद है तो मस्ट लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को नए कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।